बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मुसफ़िर खान और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे रेडमी 13C की अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे मुकम्मल कि इसमें कौन कौन से स्पेक्स दिए गए हैं। और ये 6GB रैम और 128GB वाला वेरियंट है दोस्तों, इसकी मैं मुकम्मल अनबॉक्सिंग के साथ और रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियो के अपडेट्स के हवाले से आपको मालूमात। दोस्तों चले जाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मैंने अनबॉक्स किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इस फोन में क्या स्पेक्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बॉक्स की तरफ जाए तो हमें यहाँ पर 6.7 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, यानी ये रेडमी 13C ने डिस्प्ले के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ कि जो इस फोन का डिस्प्ले रखा गया वो 6.7 इंच का है। तो इसके साथ अगर हम बैक पर देखें तो हमें एक 5000 mAh बैटरी दी गई है और इसके साथ एक ओक्टा कोर का जो प्रोसेसर है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर। अगर हम इसकी दूसरी साइड देखें दोस्तों, यहाँ पर हमें 6.7 इंच के डिस्प्ले के साथ 90Hz का हाई फ्रेश रेट दिया गया है, यानी ये फोन आपको IPS LCD में 90Hz का हाई फ्रेश रेट मिलेगा। इसके साथ 50 MP का सपोर्ट किया गया है। तो दोस्तों वीडियो को अभी हम करते हैं फोन को अनबॉक्स और आपको बताते हैं कि इस फोन का डिजाइन कैसे रखा गया है। ये फोन जो हमारे पास इस वक्त है ये नेवी ब्लू कलर में दिया गया है। तो ये फोन मैंने अनबॉक्स कर लिया। दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस फोन की शाइनिंग के हवाले से देखें तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शाइनिंग में ये फोन दिया गया है, क्योंकि एक तो नेवी ब्लू कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। ये जो ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है बैक पर, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट कैमरा। साथ ही इस रिंग के अंदर हमें दो कैमरे देखने को मिलते हैं और एक साथ फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। दोस्तों जो फ्रेम है इसकी ये प्लास्टिक की दी गई है और इसका जो बैक है ये भी हमें प्लास्टिक का देखने को मिलता है। दोस्तों साइड पर हमें दो सिम देखने को मिलती है और एक इसके साथ आप SD कार्ड यूज कर सकते हैं। और जो ऊपर दिया गया है यहाँ पर हमें ऊपर की जगह पर हैंडफ्री का ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ अगर हम नीचे बात करें तो सी टाइप का पोर्ट्स देखने को मिलता है और साथ ही माइक और एक लाउड स्पीकर दिया गया है। जाते हैं बॉक्स की तरफ, कुछ वारंटी कार्ड है वो हमें देखने को मिलता है और इसके साथ बॉक्स के अंदर एक चार्जर देखने को मिलता है जो कि 18 वाट का चार्जर दिया गया है और इसके साथ एक सी टाइप केबल देखने को मिलती है। बाकी इस फोन में दोस्तों कवर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेडमी 13C का ऐसा फोन है कि इसमें हमें कवर बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। दोस्तों हम जाते हैं और इस फोन का आपको चेक करा देते हैं कैमरे का रिजल्ट और सेटिंग के हवाले से आपको बता देते हैं। 5000 के साथ एक बड़ी बैटरी दी गई है और एक 18 वाट का चार्जर दिया गया है। अगर हम इस फोन के डिस्प्ले के हवाले से बात करें तो हमें यहाँ पर एक स्मूथ सा देखने को मिलता है, यूज करते वक्त बहुत ही स्मूथ देखने को मिलता है। 90Hz का ये फ्रेश हाई फ्रेश रेट दिया गया है यहाँ पर। अगर हम इस फोन की बात कर लेते हैं मेमोरी के हवाले से तो ये 6GB रैम के साथ दिया गया है और इसके साथ 128GB यहाँ पर एक मेमोरी दी गई है। और अगर आप इस फोन के लुक के हवाले से देखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लुक में ये फोन दिया गया है। अगर आपको मैं इसका कैमरे का रिजल्ट चेक करा देता हूँ तो ये इसका आप देख सकते हैं बैक रियल कैमरा है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इस वक्त शो हो रहा है हमें, क्योंकि अगर फ्रंट कैमरे के हवाले से बात करें तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ही जबरदस्त है जो कि इस वक्त 8 MP है और जो बैक रियल कैमरा है वो 50 MP दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक फिंगरप्रिंट जो मिलता है वो साइड पर देखने को मिलता है, यानी ये फोन है रेडमी 13C का जिसमें हमें साइड पर आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का दिया गया है। दोस्तों रेडमी 13C के हवाले से बात कर लेते हैं कि पबजी के हवाले से बात करें तो इस फोन में हमें स्मूथ में HDR देखने को मिलता है, यानी स्मूथ में एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं देखने को मिलता और 40 FPS के साथ दिया गया है। तो अगर आप यूट्यूबर हैं या व्लॉगिंग के लिए चाहिए हो या कोई ऐसे मोबाइल चाहिए जो गेमिंग के लिए हो तो ये आप उस नॉर्मली यूज कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो रेडमी 13C की जो इस वक्त प्राइस रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 32,000 रुपए का मिलेगा। ये रेडमी 13C का इससे जो पिछले वाला वर्जन था वो रेडमी 12C था, यानी उससे ये काफी बेस्ट है रेडमी 13C। दोस्तों इसका जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और इसमें हमें दो कलर इस वक्त देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक कलर और एक नेवी ब्लू। जो इस वक्त कलर है वो नेवी ब्लू बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो हमारी आज की आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।